तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो बच्चे होंगे, मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों, जो कि मैं आज आप सभी को दिखाने वाला हूं दोस्तों लाल कुआं गाजियाबाद की तस्वीरें, जो कि लाल कुआं से NH91 स्टार्ट होता है और ये जाता है दोस्तों कानपुर तक। तो आज मैं आप सभी को गाजियाबाद से लाल कुएं की तस्वीर दिखाने वाला हूं, जो 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है दोस्तों। बादलपुर से और लाल कुएं तक का आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। आप सभी को बताऊं कि लाल कुएं बहुत ज़्यादा जाम रहता है, क्योंकि बसेस भी वहीं से, ऐसा समझो कि एक तरीके का बस स्टैंड है। आप सभी को बताऊं कि हमारे आनंद विहार से ISBT से लेकर सारी बसें से दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में जाती हैं दोस्तों, MP के अंदर जाती हैं, बिहार के अंदर जाती हैं, वो दोस्तों लाल कुएं होती हुई जाती हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा हब है। आप सभी को बता दूं कि लाल कुआं बस स्टैंड बहुत बड़ा ऐसा समझो बस स्टैंड बन चुका है दोस्तों। तो उसी का कंस्ट्रक्शन आज आप सभी को दिखाएंगे और बताएंगे भी दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर पहले तो इसमें रोड को तोड़ के उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, फिर उसके बाद में 4 लेन से ये 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है, आप सभी के सामने है दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस KP संत लाता रहता, आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहे दोस्तों। अब पहले तो इसका NH91 नाम था दोस्तों, अब ये चेंज हो चुका है, अब ये NH34 कर दिया जा चुका है दोस्तों। बाकी तो सारा काम हो चुका है। आप सभी को बता दूं कि गाजियाबाद के लाल कुआं से लेकर और अलीगढ़ तक ये 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाया गया है दोस्तों, एक्सेस कंट्रोल्ड ये किया गया है दोस्तों। उसके बाद में ये एटा से कानपुर तक दोस्तों ये हो जाता है 4 लेन का। तो आप लोग देखो किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, देखो अभी ये भी लेन बनाई जाएगी। तो आप लोगों को बता दूँ, देखो जो पहले हुआ करता था 4 लेन का डिवाइडर, देखो ये बना हुआ है, देखो ये यहाँ एरो बना हुआ है, देखो ये एरो लगा हुआ है, ये दोस्तों ये यहाँ तक 4 लेन था, अब 1 लेन और कन्वर्ट की जाएगी दोस्तों, फिर ये 6 लेन में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में ये 1 लेन और बढ़ाने के बाद में फिर ये फिर से दोस्तों इसमें लैंड मार्किंग कर दी जाएगी दोस्तों, ये 6 लेन एक्सप्रेस वे हो जाएगा, 3 लेन इस साइड। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा KP संत को फॉलो करो दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर भी आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ता था। पहले तो बीच का मीडियन बनाया गया, उसको बिल्कुल सीधा किया गया, उसके बाद में दोस्तों 4 लेन से ये 6 लेन में भी इसको भी कन्वर्ट किया जा रहा है। देखो आप लोग किस तरीके से काम चल रहा है जोरों शोरों से। और ये हैं दोस्तों गाजियाबाद की तस्वीरें। आप सभी को बताऊं कि हमारे बमेटा रेड लाइट से लेकर और हापड़ चुंगी के बीच में इस रोड को चौड़ा किया जा रहा है, चौड़ीकरण का काम भी किया जा रहा है, और वो डायमंड फ्लाईओवर पीछे छोड़ के आए हैं। उसके बाद में ये देखो सारे जितने भी फार्म हाउस हैं दोस्तों, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, सारे फार्म हाउस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ये बिल्डिंग ऊँची ऊँची, ये है लैंड क्राफ्ट दोस्तों स्कार्डी, और जैसे ही हम आगे को बढ़ेंगे तो वैसे ही आ जाएगा NH9 NH24 दोस्तों। तो आप लोग देखो किस तरीके से काम चल रहा है, यहाँ पर 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट किया गया है दोस्तों, बीच का मीडियन भी बना दिया जा चुका है, इसमें भी अभी लैंड मार्किंग की जाएगी, यानी कि येल्लो और काला कलर का वो डिजाइन बनाया जाएगा बीच के मीडियन पर दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं 1 लेन को बनाने के बाद में दोस्तों फिर इस पर लैंड मार्किंग का काम किया जाएगा, और लैंड मार्किंग किस तरीके से की जाती है वो आप लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो में देखा होगा KP संत के चैनल पर दोस्तों। अभी इसमें स्ट्रीट लाइट के खंभे भी लगाए जाएंगे, तो अभी बहुत सारा काम है करने के लिए दोस्तों। ये तो पुराना है और अभी एक और नया दिखाने वाले हैं, तो वो तो बनके कंप्लीट हो चुका है, वीडियो भी बना दिया जा चुका है। ये बहुत पुराना वीडियो है जो कि मैं अब लोग आप सभी को अब दिखा रहा हूँ, और इसी के दूसरा पार्ट आएगा जो वो न्यू है दोस्तों, तो अभी आप लोगों के सामने आएगा। बने रहो बस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत के चैनल पर दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखो। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों, जो कि वो आने वाला। देखो पहले का ये था
ये वाला इस वीडियो में देख सकते हो, पहले कुछ ऐसा था, अब जो नया बनाया गया है उसकी भी आप लोग अभी तस्वीरें देखना। आने वाला है जैसे ये पार्ट ख़त्म होगा वैसे ही न्यू पार्ट आ जाएगा। तो मैंने मिक्स कर दिया दोस्तों, पुराना और न्यू दोनों आ जाएंगे आप सभी को। देखो अब इसकी तस्वीरें देखो कैसी है इसकी, अब तकदीर चेंज हो चुकी है दोस्तों रोड की। देखो अब वो सामने चमक रहा है NH24 दोस्तों। देखो ये है नया, अब नए पर भी देख सकते हो किस तरीके से तो थोड़ा सा ही काम बचा हुआ है। और साइडों से आप सभी को बता दूं क्या साइडों से बना दिया है इन्होंने ड्रेनेज, और उसके बाद में बनाई है रोड। तो आप लोगों को अब मैं दिखाऊंगा दूसरी साइड का। ये है NH9 पर दोस्तों, यहाँ से हम अंडर पास ले लेंगे फिर हम चलेंगे सीधे डायमंड फ्लाईओवर के लिए दोस्तों। तो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, तो आप बने रहो। देखो किस तरीके से दिखाता हूँ कि एक लेन को ऐड कैसे किया गया, 4 लेन से 6 लेन में किस तरीके से कन्वर्ट किया गया, वो आप सभी को अब देखने के लिए मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। देखो अभी मैंने उधर से दिखाया था आप लोगों को पुराना, अब आप नया देख लो और नए का कंस्ट्रक्शन देख लो किस तरीके से क्या है। देखो ताला होलिया चेंज हो चुका है, एक लेन को ऐड भी कर दिया है इन्होंने और बीच का मीडियन भी बना दिया। अब इसमें स्ट्रीट लाइट के खंभे लगाए जाएंगे और इस पर अब लैंड मार्किंग कर दी जाएगी दोस्तों। बस यही काम बचा हुआ है बाकी, और इसका मीडियन तो देखो ये बना दिया जा चुका है, मीडियन भी बना दिया इन्होंने, सॉरी ड्रेनेज बना दिया साइडों से देख सकते हो आप लोग ये। और ये चला जाता है कभी नगर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों। आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा डायमंड फ्लाईओवर। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सभी से, तो आप सभी इंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करना इस वीडियो को दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी से रिक्वेस्ट है।